हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब और वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी जो है सुबह का करीबन 9:30 बजे के आसपास को जो है वो अभी जो है वो टाइम हो गया होगा 9:30 हाँ के आसपास का। और मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मैंने कम्युनिटी भी डाली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह सुबह मैंने डाली थी कम्युनिटी और फिर मुझे ये हुआ कि वर्दियाँ धोनी थी तो क्यों ना साथ साथ में थोड़े बहुत और कपड़े जो हैं और थे, वाइट कपड़े थे, कुछ बच्चों के थे हिमांक और वरुण के, तो मैंने सोचा साथ साथ में जो है मैं वो भी डाल मतलब धो देती हूँ मैं कपड़े। तो इस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जस्ट इस टाइम में ये कपड़े धो रही थी। लेकिन फिर भी वही बात है ना, काम जो है वो तो करना ही है। तो मैंने जो फटाफट से ऊपर मशीन लगाई और मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट धोके, और मैंने जितने भी काम किए ना सारा, जैसे एक काम ख़त्म किया थोड़ी देर बैठ गई, फिर दूसरा काम ख़त्म किया थोड़ी देर बैठ गई। और क्योंकि देखो खाना तो बनाना ही, अब मतलब ऐसा है मैं तो मान लो भूखी भी रह जाऊँ लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकते ना, बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही था। तो मैं कहा खाना बन रहा है तो साथ साथ में थोड़े थोड़े मैं और काम भी कर लूँ, फिर ये काम भी कर लूँ वो काम भी कर लूँ। हिमांक का तो आप लोगों को पता ही है कि वो कैसा है, कितना मतलब शरारती है उसके, उस पर तो मैं आराम से बैठ भी नहीं सकती हूँ मैं तो, इसीलिए मैंने सोचा साथ साथ में और काम जो है मैं वो भी कर लेती हूँ। और ये मतलब तीन में से तो मैं निकालती हूँ, वो खाली टब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब दोबारा भर दूँगी पानी, चौथा जो चक्कर है जो कपड़े नहीं जोड़ने का वो उसमें हो जाएगा। और कई बार तो मैं 5 बार भी कर देती हूँ और फिर अगर 5वीं बार नहीं करती तो मशीन में ही पानी चला देती हूँ मैं फिर, तो इस तरह जो है वो मैं कपड़े धोती हूँ। और कारण क्या रहा कि पता नहीं कुछ खाने से कुछ प्रॉब्लम होगी कि क्या हुआ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग जो है वो हुआ था मेरे को रात को। मतलब सारी रात ऐसे ही मैं घूमती रही और पेट में बहुत दर्द था, उल्टियाँ आ रही थी, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। और यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह धो के फिर मैं नहाने चली गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा नहा धो के मैं जाती हूँ दुकान पर, और मुझे जो है वो लिमका लेकर आनी थी। ये था कि लिमका मैंने थोड़ा नींबू वगैरह डाल के मैं कुछ लूँगी ना तो जो थोड़ा सा मेरे को आराम मिलेगा, थोड़ा सा जो है गर्मी से रिलैक्सेशन मिलेगी अगर लिमका में आप नींबू और नमक डाल के लेते हो ना, तो इसीलिए। और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा मैंने कैमरा तो सेट कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं था कैमरा अच्छे से सेट नहीं हुआ था। यहाँ पर प्रीति आई थी और आप बोल रहे थे ना कि प्रीति से मिलवाना, तो प्रीति आई भी थी तो मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि ना ये कैमरा अच्छे से सेट नहीं हुआ है। और मतलब फिर वो अच्छे से हम शूट नहीं कर पाए, प्रीति को पता है कि यहाँ पे कैमरा चालू है, आई थी प्रीति लेकिन वो शूट हुआ ही नहीं। बस फिर मैंने फटाफट अपने बाल बाल बाए, बच्चों को मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने करा दिया था और उसके बाद जो है देखो प्रीति ये आ गई थी और मुझे लगा कि शो मतलब वो है यहाँ पर। मैंने प्रीति को मैं कुछ दिखा रही थी, प्रीति मतलब वही देखने आई थी। और बाल बाल जो मैं बाती हूँ ना साथ साथ में ज़मीन पे जो भी एक दो बाल जितना भी गिरता है ना तो साथ साथ में मैं सारा जो है उठा देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। और अभी जो है मैं जा रही हूँ दुकान पर बनाना लेने के लिए और एक लिमका लेकर आऊँगी। मैंने सुबह कम्युनिटी भी डाली थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सारी रात मेरे को ना, मेरे को खुद याद नहीं है कितनी बार तो मेरे को उल्टियाँ पड़ी है, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने मेरे पास मेफ्टल्स पास पड़ी थी, मैंने वही ले ली। गर्मी बन गई है, जो अंदर जो गर्मी होती ना वो बन गई, क्योंकि कल मैंने मार्केट गई थी किसी काम से, मतलब मार्केट की तरफ कुछ काम था, मार्केट उसके नज़दीक थी। तो फिर मैं कहा उस तरफ जा रही हूँ तो अपने एक दो काम है अपने वो भी करके आती हूँ। हिमांक मेरे साथ था, हाथ में सामान भी, हिमांक भी गोद में, तो गर्मी बस कल ही बन गई थी लेकिन उसका इफ़ेक्ट रात को दिखा मेरे को, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं लिमका लेकर आऊँगी, उसमें मतलब नींबू वगैरह डाल के नमक डाल के तब पीऊँगी, थोड़ा सा आराम हो जाए तो अभी चलते हैं सीधा दुकान पर चलते हैं।
वहाँ से आने के बाद मैंने आराम किया थोड़ा बहुत, और आराम करने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और ब्रेकफास्ट तो क्या किया, लंच टाइप में ही हो गया, बहुत लेट हो गया था खाना खाते खाते, और फिर मुझे थोड़ा आराम हो गया था और मैं यहाँ पे फिर अपने काम में वापस लग गई थी। ऐसा ना घर बार 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 क्या होता है, घर में जब बड़े बच्चे होते ना तो जो सामान जहाँ रखते हैं इतना गंदा होता नहीं है, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो और रिमांग भी कुछ ना कुछ जो है वो फैलाता ही रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम होते ही फिर काम में लग गई थी। बाहर वॉश बेसिन मैंने साफ़ कर दिया, फिर बारी आ गई थी इस बाथरूम की, बाथरूम को भी क्लीन करना होता है, मैं यही काम करती हूँ। देखो मतलब पहले बाथरूम वगैरह ये वॉश बेसिन वगैरह ये झाड़ू निकालने के बाद सबसे पहले ये चीज़ें जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है मतलब पोचा वगैरह वो लगाती हूँ, क्योंकि एक ना एक सिस्टमेटिक वे होता है लगाने का। और मैं फिर मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं काम वाम करके थोड़ा बहुत अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके थोड़ा सा वीडियो की जो है वो एडिटिंग करते करते ही मेरी जो है वो तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, और शाम होते होते मेरे को बुखार हो गया था, मतलब ऐसी हालत हो गई थी मेरी, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और मैंने शाम को जो है वो कम्युनिटी भी डाल दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ठंड लग रहा है और मुझे बुखार भी जो है वो हो गया है, और रात को भी मतलब ये था, रात तक तो मेरी तबीयत थोड़ी ये ठीक हो गई थी, लेकिन रात को एक बार फिर से ख़राब हो गई, और फिर जो है अब आज जो सुबह फिर भी थोड़ा सा जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है वो ठीक है। अभी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, तो कब क्या किस चीज़ से फूड पॉइजनिंग हो जाए पता नहीं चलता है। और अभी ये जो है मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग चावल की जो खिचड़ी होती है ना वो बना रही हूँ। मूंग आधा गिलास मैंने दाल लिया है, आधा गिलास मैंने चावल ले लिया है, इसे 2-3 बार भिगोकर ढककर रख देंगे 20 मिनट आधा घंटा, जितना आप रेस्ट करना छोड़ना चाहते हो वो छोड़ देंगे। और फिर जो है उसके बाद मैंने थोड़ा जैसे दही वही भी लेनी थी, तो ये थोड़े से कुछ धनिया के पत्ते जो है वो मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं दही में भी डाल दूँ, चटनी में भी डाल दूँ, और इसीलिए जो है थोड़े से धनिया के पत्ते जो हैं वो मैं अलग कर रही थी यहाँ पर। और इनको धनिया के पत्ते मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा 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 मतलब पत्ते के पत्ते तोड़ लेती हूँ, बीच के ये डंडे होते हैं वो मैं नहीं तोड़ती हूँ मैं, इसीलिए एक एक करके एक एक पत्ती जो है वो मैं अलग अलग कर देती हूँ मैं। और बस शाम का टाइम था, थोड़ा सा ये रिलैक्स महसूस कर रही थी मैं, मतलब दिन में अचानक पता नहीं कैसे मुझे ये ठंड लगना स्टार्ट हुआ और एकदम अचानक से बुखार हुआ, फिर मैंने ना दवाई ली, उल्टियों की दवाई होती वो भी ली, बुखार की दवाई होती मैंने वो भी ली, फिर कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद जाके मेरे को थोड़ा सा जो है वो आराम महसूस हुआ। बाकी ये काम करने के बाद बस मेरे थोड़े से ये बर्तन क्लीन करने बाकी थे, और तो ये बस ये चाय पानी के जो है बर्तन थे, शाम को स्नैक्स वगैरह जो बच्चों ने खाए थे वो बर्तन से ज़्यादा बर्तन थे नहीं, थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साथ साथ में भी क्लीन कर दिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही थी, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा आराम है तो कंटिन्यूस जो है मैं जो ये काम जो है वो कर लेती हूँ मैं अपने, फिर अगर मान लो तबीयत डाउन हुई तो ऐसा ना हो फिर मेरे से कोई भी काम जो है वो नहीं होगा फिर, मतलब मेरी ऐसा ही होता है कि मैं आराम से बैठ नहीं सकती, जैसे ही मेरे को आराम महसूस होता है ना मैं साथ साथ में अपने काम जो है वो कर लेती हूँ। और फिर कुछ देर के लिए मैं बाहर गली में घूमी थी ताकि मेरे को ठंडी हवा लगे और थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो, तो वो मैं बस घूम घाम के और थोड़ा सा मैं फिर वापस आ गई थी। और यहाँ पे साथ साथ में मैंने दही वगैरह भी जो है वो फेंट के फ्रिज में रख दी थी, तो ताकि वो खिचड़ी के साथ मैं जो है वो दही लेने वाली हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा आराम लगे। और सारे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, फटाफट से सिंक वगैरह जो है मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद द बेल आइकन अगर इस पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए,
और आप मेरे सारे व्लॉग्स हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।